फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 55G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ आईक्यू का पॉपुलर स्मार्टफोन आईक्यू G9 Lite 5G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में सिर्फ 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ आईक्यू के G9 Lite 5G को 10,499 रुपए की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 55G को 9,999 रुपए की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स का हॉट 55G और दूसरी तरफ आईक्यू का G9 Lite 5G, इन दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इनकी प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, तो कम प्राइस होने के बावजूद डिस्प्ले में ज्यादा एडवांटेज तो आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट 55G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। 6.7 इंच की बिग साइज की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती, पर डिस्प्ले पॉन्चोल देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू के G9 Lite 5G में 6.56 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती, पर डिस्प्ले में पॉन्चोल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर आईपी रेटिंग की बात करीजिए, तो आईक्यू के G9 Lite 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती, वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 55G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करीजिए, तो कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी खासकर कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है इन्फिनिक्स का हॉट 55G, क्योंकि 10,000 रुपीज से कम की प्राइस में इन्फिनिक्स का हॉट 55G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ आईक्यू के G9 Lite 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है, वो तो आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट 55G में बेटर देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए, तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 55G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ आईक्यू के G9 Lite 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 55G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू के G9 Lite 5G में भी 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पर सिर्फ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ, ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 500 रुपीज कम खर्च करके इन्फिनिक्स के हॉट 55G को ही बाई करें।